ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मेस्तु तदात्मनि निरते। य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ द पंचौरे फाउंडेशन इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केन उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। ये उपनिषद सीरीज का एक हिस्सा है और आज 16वां सेशन है। आज केन उपनिषद का अंतिम सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और आज इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, हमने अभी तक केन उपनिषद में जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप लेंगे ताकि आज अंतिम सेशन में पूर्णाहुति के समय हम सारे बिंदुओं को एक साथ एक नजर देख सकें। तो हमने केन उपनिषद के जो चार खंड हैं उसमें प्रथम खंड शुरुआत होती है। प्रथम खंड में जैसे हमने देखा, इसका विषय है गुरु की शिक्षा, आत्मा के लक्षण, आत्मा की परिभाषा और आत्मज्ञान। इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है कि शिष्य पूछता है मंत्र एक में, किससे प्रेरित होते हैं मन प्राण चक्षु वाणी और श्रोत्र, ये किससे प्रेरित होके कार्य करते हैं। तो गुरु कहता है, वह जो मन का भी मन है, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, वाणी की वाणी, श्रोत्र का श्रोत्र है, जिससे ज्ञान जिसके ज्ञान से इंद्रिय विषय छूट जाते हैं, वह जिससे मृत्यु उपरांत व्यक्ति अमृत को प्राप्त होता है, वही इस सब को प्रेरित करता है। गुरु आगे भी समझाते हैं मंत्र तीन में कि वहां मन प्राण चक्षु वाणी श्रोत्र कुछ नहीं पहुंचते, वो ज्ञात से भी अन्य है और अज्ञात से भी अन्य, हम उसे समझा नहीं सकते। ऋषि कहते हैं मन प्राण चक्षु वाणी स्त्रोत्र उसे प्रकट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे समझा नहीं सकते। उसे तू जान कि वो ब्रह्म है, वो नहीं कि जिसकी लोग उपासना करते हैं। ब्रह्म वो तत्व है जो उस मूर्ति के अंदर स्थापित होता है जिसकी लोग उपासना करते हैं, वो तत्व ही ब्रह्म है और उस तत्व को मन चक्षु वाणी श्रोत्र से प्रकट नहीं किया जा सकता। और गुरु ने आगे कहा, किंतु जिससे प्रकट होते हैं मन प्राण चक्षु वाणी और श्रोत्र, वही ब्रह्म है। तो जो पहला खंड था उसने ये बताया कि ब्रह्म इंद्रियों के परे है, आत्मा जो है वो इंद्रियों के परे है। ब्रह्म कहें या आत्मा कहें एक ही बात, वो इंद्रियों के परे है, उसी से सब जागृत होता है, पर ये इंद्रियां और मन उसको प्रकट नहीं कर सकते, उससे प्रकट होते। इसके बाद शिष्य का टेस्ट लेते हैं गुरु खंड दो में। तो खंड दो शुरू होता है शिष्य की ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा से।
आत्मज्ञान के मार्ग को इसमें बताया गया और आत्मज्ञान का क्या फल है वो भी बताया जाता और सर्वत्र आत्मदर्शन के लिए भी ये खंड प्रेरित करता है। तो खंड दो में फिर गुरु ने पूछा कि क्या तू समझ गया जो मैंने समझाया, और गुरु ने वार्न भी किया कि यदि तू मानता है कि तू ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो तू थोड़ा ही जानता है। तो शिष्य ने भी मंत्र दो में गुरु की भाषा में ही गुरु को उत्तर दिया। शिष्य ने कहा कि प्रभु मैं नहीं मानता कि मैं उसे जानता हूं, ना ही मैं ये कह सकता कि मैं उसे नहीं जानता। गुरु ने कहा मंत्र तीन में तूने ठीक सोचा, जिसने सोचा कि वो जान गया उसने नहीं जाना, और जिसने सोचा कि वो नहीं जाना उसी ने तो वो जाना है। तो फिर शिष्य पूछता है तो फिर ऐसे विषय में प्रगति कैसे करें जो ज्ञात और अज्ञात दोनों के परे है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार चक्षु श्रोत्र प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे विषय में हम सीखें कैसे, प्रगति कैसे करें। तो मंत्र चार में गुरु ने कहा प्रतिबोध से यह संभव। प्रतिबोध का मतलब बोध इंद्रियां बाहर की चीजों की जानकारी देती है, प्रतिबोध इंद्रियों को सिकोड़ लो, मन को सिकोड़ लो, अंतर्मुखी हो जाओ, उसी से इसे जाना जा सकता। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वो सभी के अंदर, सभी की नाभि में रावण की तरह वो अमृत कलश है। बाहर अहंकार के प्रदर्शन की जगह अंदर उतर के अपने अहंकार को समाप्त कर देने से वो अमृत प्राप्त हो जाता। गुरु ने पांचवें मंत्र में कहा यहां सत्य को जान ले इसी जन्म में इसी समय में, अन्यथा महाविनाश है। इतनी मुश्किल से तो, इतनी पीढ़ियों बाद, इतनी सदियों बाद, इतनी योनियों बाद तो मनुष्य बना है। और जानने का दूसरा तरीका भी गुरु ने बताया, प्रत्येक भूत में परमात्मा को जान, बस इसी से तू अमृत हो जाएगा। यही आत्मज्ञान का फल है, अमृत। तू जन्म और मृत्यु के परे पहुंच जाएगा अगर तुझे सब में परमात्मा दिखता है, तो तुझे खुद में भी परमात्मा दिखेगा और तू जानेगा कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। सो इसके साथ खंड दो जो बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है समाप्त होता है, पर इसी के बाद खंड तीन इज अ क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। खंड तीन एक देवों की कथा है, ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में चर्चा है और विनम्रता का महत्व बताता है। एक सुंदर कथा के साथ आता है कि जब देवताओं ने एक बड़ा युद्ध जीत लिया असुरों के ऊपर, तो देवताओं को लगा, उनमें अभिमान हो गया कि हम जीते हैं, तो ब्रह्म उनके अभिमान को समझ गया और ब्रह्म ने अपनी शक्ति खींच ली। ब्रह्म अपनी शक्ति खींच के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। हमने पढ़ा इस सेशन में कि ब्रह्म अपनी शक्ति खींच के परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। हम बड़े बड़े अचीवमेंट करके सोचते हैं हमने किया, पर जब ब्रह्म शक्ति खींचता है तो हम खुद को बड़ा निढाल पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते और परिस्थितियां हमें सिखा जाती हैं। याद कीजिए देश के प्रमुख अभिनेता शाहरुख खान के जब बच्चे पर विपत्ति आई थी, इतने इन्फ्लुएंशियल होते हुए भी वो कुछ कर ना सके। जब ब्रह्म अपनी शक्ति खींचता है, आप किसी भी पद पे किसी भी जगह हो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और उससे विनम्रता आती है, तो परिस्थितियां सामने आके खड़ी होती है, परिस्थितियां खड़ी हुई सब। तो अग्नि वायु सब ब्रह्म को देखने गए, यक्ष को देखने गए, पर वो जान ना सके क्योंकि यक्ष के सामने जब अग्नि गई तो अग्नि यक्ष ने एक तिनका रखा कि आप इसे जला दीजिए, अग्नि जला ना सकी, वायु उस तिनके को उड़ा ना सका। तो दोनों, चूंकि ब्रह्म ने शक्ति तो खींच ली थी, तो ना अग्नि में शक्ति बची ना वायु में शक्ति बची। इन पंच महाभूतों की शक्ति वास्तव में ब्रह्म की ही तो शक्ति है। वो वापस लौट आए और फाइनली इंद्र स्वयं गए, जो मनस है, मन है, मधवन है, पर जैसे इंद्र वहां गए तो यक्ष गायब हो गया, क्योंकि मन के पास तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया नहीं है। मन तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से ही तो कार्य करता है, तो मन तो देख ही नहीं पाया क्योंकि ज्ञानेंद्रिया थी नहीं, यक्ष गायब हो गया। इंद्र समझ नहीं पाए ये यक्ष कौन था। अचानक उमा अवतरित हुई, उमा ईश्वर का ही रूप, उमा जो प्रकृति है, जो माता है, वो प्रकट हुई और माता ने बोला कि वो जो यक्ष था वो ब्रह्म था, और तुम्हारे अहंकार को खत्म करने के लिए वो तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थिति बना के प्रकट हुआ
अपनी शक्ति खींच के। इसीलिए जो विजय है उसे ब्रह्म की विजय जानो, जो महत्व है उसे ब्रह्म का महत्व जानो, वो जो यक्ष है वो भी ब्रह्म है। सो अग्नि सारे दृश्य जगत, स्थूल जगत और शरीर का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि को आप देख सकते हैं। वायु अदृश्य जगत और स्थूल जगत का प्रतीक है। ये सारे जगत, जगत में जो भी दृश्य है और जो कुछ अदृश्य है, इन पंच महाभूतों से जो बना है, ये सब जो पंच महाभूतों से जो स्थूल बना है, भले वो दृश्य हो और अदृश्य हो, उसकी सारी शक्ति ब्रह्म से आती। मन जो इंद्र, जो अंतःकरण का प्रतीक है, इंद्र, वासना, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसका प्रतीक इंद्र है, ये भी संचालित हो सकते हैं ब्रह्म से ही। पर जब अपनी कम समझ और वासना के कारण हम इस स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर को ही स्वयं को मानने लगते हैं, तो जीवन में अज्ञान पैदा होता, अहंकार पैदा होता, और उस अहंकार को खत्म करने के लिए उमा, ईश्वर अवतरित होते हैं, जो समष्टि बुद्धि है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, महातत्व मीन्स इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो प्रकट होती है हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस को समझाने के लिए, परिस्थिति बनकर किसी न किसी रूप में। जब ब्रह्म सामने आया तब हम यूनिवर्स से पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो यूनिवर्स सिखाती है, तुम्हें सिखाने के लिए एक बिगर स्कीम अनफोल्ड हो रही है। ये सब कुछ ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, परिस्थितियां दिखती नहीं है सामने, जिसे आप उन्हें छू नहीं सकते, अचानक आ जाते, निराकार होती है ब्रह्म की तरह, और हमारे अहंकार को खत्म करके चली जाती है। उमा ने बताया, ज्ञानेंद्रियां देख सकी क्योंकि परब्रह्म यक्ष के रूप में सामने आया, ज्ञानेंद्रियां देख तो सकी पर समझ नहीं सकी, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के पास तो बुद्धि नहीं थी। अंतःकरण जिसके पास बुद्धि था वो देख ही नहीं सका, तो समझेगा क्या? पर उसने व्यक्तिगत बुद्धि ने यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से पूछा, इसी को मेडिटेशन कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में इंडिविजुअल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करती है, और यूनिवर्सल इंटेलिजेंट अनफोल्ड करती है और बताती है इस सृष्टि का रहस्य, कि निर्गुण ईश्वर ही ब्रह्म है और ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और जो कारण शरीर है, ये इसी को हम जीव कहते हैं। पर ये जीव जब अपने आप को अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग मानने लगता है, तब उसे ईश्वर की उपासना की जरूरत पड़ती है, मंदिरों में जाने की जरूरत है, ज्ञानियों से सीखने की जरूरत है, ताकि वो जाने कि ये जो देह है और जो जीवात्मा इस देह के अंदर रह रही है, ईश्वर उसे बताते हैं कि वो देही से बिल्कुल अलग है। ये जो जीव है वो ईश्वर और जीव एक ही है। ईश्वर उसे बताते हैं, जिस पल जीव अपनी अविद्या को खत्म कर दे, अहंकार को खत्म कर दे, तो जीव ईश्वर एक के, जीव और ईश्वर एक ही है, और ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। बस ईश्वर जब निर्गुण होता है तो ब्रह्म कहलाता है, सगुण होता है तो ईश्वर कहलाता है। ये क्रिएटिव डिपिक्शन था उसी बात का जो खंड दो में इंटेलेक्चुअली समझाने की कोशिश की गई। यही सब अहंकार, अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, चित्त मानना अहंकार है। जब हम ईश्वर की कृपा से सब में उस ईश्वर को देखने लगते हैं, उसी को हम अद्वैत कह देते हैं। ये पूरी कहानी खंड तीन ने बताई। फिर इसके बाद खंड चार जो कंक्लूडिव खंड है, उमा ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ वो है जो यक्ष को जल्दी से पहचान, बाकी देवताओं से श्रेष्ठ अग्नि और वायु हैं क्योंकि वो पहले पहचान गए, अग्नि और वायु से भी श्रेष्ठ इंद्र हैं क्योंकि वो तुरंत पहचान गए। जो जितनी जल्दी ब्रह्म को पहचान ले इस धरती पे, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। तो चार तरह के व्यक्ति हैं। केनोपनिषद जिस प्रकार समझाता है मंत्र एक से तीन तक, खंड चार में कुछ लोग तो बिना वेदना से ही समझ जाते, वेद
मिल जाता हूं उन्हें बिना वेदना के, वो सुप्रीम को जान जाते हैं विदाउट सफरिंग, वो नंबर वन है, बेस्ट। नंबर दो जैसे बुद्ध, पर वेदना से तुरंत जान गए, दूसरों की वेदना देखी वो सब समझ गए, पुराने संस्कार फलित हो गए। कुछ तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो खुद जब उस परिस्थितियों से गुजरते हैं तो पहचान जाते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की महिमा जान जाते हैं, फिर जीवन में जब सफल होते हैं तो भी कहते हैं तो ब्रह्म का है, हमारा क्या है, अभी ब्रह्म शक्ति खींच ले हम जमीन पे आ जाए। स्ववेदना से तुरंत समझ जाते हैं, उनको वेद हो जाता है। और कुछ लोग वो इतने सांसारिक भोगी होते हैं कि स्ववेदना से भी वो नहीं जान पाते, वो समझ ही नहीं पाते, और वो इसी जगत प्रपंच में फंसे रहते हैं, पर जो प्रकार एक होते हैं वो इस जगत प्रपंच से उड़ जाते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके। फिर मंत्र चार से आगे, चार प्रकार की, मन चार से छह, उस ब्रह्म को समझने के लिए चार प्रकार की उपासना की चर्चा करें। 4.4 बोलता है जैसे बिजली चमकती है, एक पल के लिए सब दिखने लगता है, स्पष्ट हो जाता है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म ऐसा होता है कि एक पलक झपकी और लगा सब समझ में आ गया, और अगली पलक झपकी और लगा कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्म कई बार ऐसा आंखों से के सामने आता है और ओझल हो जाता है, विंकिंग ऑफ आई। 4.5 में केनोपनिषद कहता है, गुरु कहते हैं कि मन हर प्रकार से ब्रह्म की तरफ ही दौड़ रहा है। सच्चिदानंद की खोज ही जीवन की खोज है। हर व्यक्ति परमानेंस चाहता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है खुद को, एक्सप्लोर करना चाहता है पोटेंशियल को, और हर व्यक्ति आनंदित रहना चाहता है। तो ब्रह्म की उपासना उस विचार के रूप में होनी चाहिए जिस तरफ मन भागता है। 4.6 कहता है मन ब्रह्म की उपासना तद्वनम रूप से होनी चाहिए। तद्वनम मतलब आनंद रूप में हो, तत्वनम, तत् मतलब उसकी उपासना, उसका ध्यान हम तत् के रूप में करें। तत्कार्थ दैट, किसी सगुण रूप में नहीं, दैट में करें, सच्चिदानंद के रूप में करें। तो चार तरह की उपासनाओं के बारे में बताया जिसको आज हम पढ़ेंगे। फिर इसी खंड में आगे बढ़ते हुए फिर शिष्य ने पूछा, ये सब मैं समझ गया 4.7, पर मैं शुरू कहां से करूं, फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन नाउ। तो गुरु 4.8 में कहते हैं, 4.7 में वो कहता है, क्या आपने उपनिषद पढ़ा दिया, कुछ और हो तो मुझे बताइए, मुझे और जानना है, मैं कहां से शुरू करूं, ये सब पूछता है। तो गुरु बताते हैं, कर्म से शुरू कर, कर्म योग कर, निष्काम कर्म कर, निस्वार्थ कर्म कर। जब जितना व्यक्ति निष्काम और निस्वार्थ कर्म करता है उतना उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, और जितना सकाम और स्वार्थी कर्म करेगा उतना उसका चित्त अशुद्ध होने लगे। तो अगर उपनिषदों को जानना है तो क्या करना है, निष्काम निस्वार्थ कर्म। शिष्य ने पूछा, और गुरु ने कहा, तप कर, काया का, इंद्रियों का और मन का तप कर, उन्हें अनुशासित कर, ये उपासना योग है। और फिर दम कर, इंद्रियों को विषयों से विमुख कर, जो आदत छोड़नी है उस गली में ही नहीं जाना, जिस रास्ते जाना नहीं उस तरफ मुंह ही क्यों करना, इससे चित्त शांत होता है, चित्त स्थिति मिलती है, चित्त स्थिति और चित्त शुद्धि तैयार हो जाती है। और जब चित्त स्थिति और चित्त शुद्धि प्राप्त होती है व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो गलत काम करता ही नहीं है, वो सत उसके अंदर बढ़ने लगता है, और जब उसके अंदर सत बढ़ता है, यहां से आज हम शुरू करेंगे अंतिम मंत्र खंड चार का नवा मंत्र। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानं अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। गुरु कहते हैं जो इस अंतर ज्ञान को जान गया, जो पिछले चार खंड में पढ़ाया गया, वह अपने पाप से अलग हो जाता,
और बृहत्तर लोकों और अनंत स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, अवश्यमेव प्रतिष्ठित हो जाता है। दो दो बार रिपीट किया है, दो दो बार कहा कि जो इससे इसको समझ जाता है, जो इस आत्मज्ञान को समझ जाता है, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। वो सब वो इन चीजों में नहीं पड़ता और वो पाप कर्म नहीं करता कभी, वो निस्वार्थ हो जाता है। हमने पिछले सेशन में बात की काम निस्वार्थ और निष्काम कर्म जब व्यक्ति करता है तो कभी कुछ गलत कार्य करेगा ही नहीं वो व्यक्ति, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। जब वो निस्वार्थ काम कर्म करेगा, पाप इंसान करता क्यों है, उसके पीछे कोई ना कोई तो स्वार्थ होता है। अपने परिवार के लिए करूं, अपने घर के लिए करूं, अपने लिए करूं, जब मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा तो गलत कार्य क्यों करूं। इस प्रकार उसका पाप नाश हो जाता और वो अनंत आनंदमय पर ब्रह्म में सुप्रतिष्ठित हो जाता, उस आनंदमय ब्रह्म का एक हिस्सा बन। जब मनुष्य के पाप, महाभारत कहती है 12.197.8, जब मनुष्य के पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं तब आध्यात्मिक ज्ञान उदय होता है। जैसे मनुष्य अपने को स्वच्छ दर्पण में देखता है, वैसे ही अंतर में आत्मा को अनुभव करता है। दर्पण जैसे ही साफ होता है, ईर्ष्या खत्म, द्वेष खत्म, लालच खत्म, तो नींद अच्छी आती है। ये समझ में आना चालू होता है जब मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता तो मन बहुत शांत होता है। जब मन शांत होता है फिर जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपका पूरा मन लगता है उस शास्त्रों में, आप तुरंत सेल्फ रियलाइज कर जाते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रों में माना गया है चित्त शुद्धि और चित्त स्थिति को प्राप्त कर। जब इंसान चित्त शुद्धि और चित्त स्थिति को प्राप्त, तब वो ज्ञान प्राप्त कर पाता है। 4.9 श्रवण करता है ज्ञान, मन बिल्कुल शांत है, मनन करता है उस ज्ञान पे लगातार। और जब वो परिस्थितियां आती हैं तो निदिध्यासन करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, इंटरनलाइज कर लेता है उस ज्ञान। और इससे क्या होता है, वासना समाप्त हो जाती है धीरे धीरे, जन्म जन्मांतरों में संचित कर्म जीरो हो जाते हैं। संचित कर्म कैसे जीरो होते हैं, संचित कर्म का मतलब वो जो इतने जन्मों का था, इस अहंकार से जुड़ा हुआ सारा अकाउंट, पर मैं डिक्लेयर कर देता हूं मैं वो व्यक्ति ही नहीं, तो जब मैं व्यक्ति ही नहीं तो मेरा अकाउंट भी नहीं बचा, तो संचित कर्म जीरो। आगामी कर्म जीरो हो जाते हैं क्योंकि मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं रहा कि मैं कर्म बंधन में बंधूं। कर्तापन शून्य हो जाता है क्योंकि मैं जीतता हूं तो लगता है ब्रह्म की ताकत थी, मैं हार गया तो लगता है भाई ब्रह्म ने शक्ति खींच ली, हम क्या हैं, हम तो कुछ नहीं, आज है कल नहीं, तो जो हो रहा है उसमें राजी। कर्तापन शून्य हो जाता, अहंकार होता नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार समाप्त हो जाता है तो हर हाल में प्रसन्न रहेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा अपनी मानसिक प्रसन्नता के लिए। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, हर पल आनंदित रहेगा। और मृत्यु के बाद, ये देह के बाद विदेह मुक्त हो जाएगा, फिर जन्म जन्मांतरों के चक्र से निकल जाएगा और ओम को प्राप्त करेगा, आत्मा को प्राप्त करेगा, ब्रह्म में एक हो जाएगा। यही सार है पूरे केनोपनिषद का, ये यात्रा गुरु ने बता दी। अंतिम मंत्र 4.8 4.9, लगभग पूरी भगवत गीता का सार दे दिया इन दो मंत्रों ने, कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। स्टेप बाय स्टेप इनसे जीवन आगे बढ़ाइए और अपने आप को सही दिशा में लेके जाएंगे। पर ज्ञान सही वही समझ सकता है जिसमें जिसने कर्मयोग और उपासना योग अच्छे से किया। व्यथित मन वाला व्यक्ति गलत ही देखेगा जहां भी देखेगा। जब व्यक्ति दुखी होता है सनसेट में भी दुखी दिखता है, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो सनसेट सुंदर लगता है, यहां जो है बस वही बाहर दिखता है।
इसलिए जब यहां शांति होती है तब बाहर भी शांति महसूस होती है, फिर अध्ययन सही दिशा में बढ़ता है। यह पूरे केन उपनिषद का सार है, और इसके साथ केन उपनिषद समाप्त होता है। पर केन उपनिषद में जैसे हमने आपको बताया, चार तरह के मेडिटेशंस का उल्लेख किया। ये जो चार मेडिटेशंस है, इन चारों मेडिटेशंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ये चारों मेडिटेशंस हमें केनोपनिषद के इस चौथे खंड में जो बताए गए हैं वो ये बताएंगे कि किस प्रकार इन चारों मेडिटेशन को करके खंड एक, गुरु की शिक्षा, आत्मा की परिभाषा, आत्मज्ञान का फल और बौद्धिक रूप से हमने खंड एक में समझा, खंड दो में शिष्य की ज्ञान प्राप्ति, आत्मज्ञान, प्रतिबोध और सभी भूतों में आत्मा देखना हमने सीखा, इंट्यूटिवली हमने सीखा इस बात, सभी भूतों में इंट्यूटिवली आत्मा देखिए, सभी भूत आत्मा है। खंड तीन में देवों की कथा हमने पढ़ी, ब्रह्म का अस्तित्व जाना, इंद्रियां और मन अगोचरम है, दिखते नहीं है, विनम्रता का महत्व जाना, उपासना हेतु कथा पढ़ी, क्रिएटिव डिपिक्शन था। खंड चार में चार प्रकार की उपासनाएं जानी, कर्म उपासना योग को समझा, ज्ञान योग के बारे में जाना और ब्रह्मपाद प्राप्ति का रास्ता समझा। बस ये जानने के बाद व्यक्ति इस पूरे जगत प्रपंच से मुक्त हो जाता, ये वृहद रूप से केनोपनिषद है। अब चलिए इसको इंटरनलाइज करने के लिए हम चार मेडिटेशन क्विकली करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय, छोटे छोटे से चार मेडिटेशन, एक एक करके चारों मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को उस स्थिति में लेके आइए जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकें, और जब हम कहेंगे तब हम अपनी आंखें बंद करके एक एक करके इन चारों मेडिटेशन में उतरेंगे। ये जो चार मेडिटेशन है, इनमें से पहला मेडिटेशन बिजली की चमक के बारे में है, आधिदैवीक जिसे कहा गया, 4.4 में जिसके बारे में बात हुई, जो कहता है कि प्रकृति के नियमों से भी आप देखें, प्रकृति के नियमों से जब आप खुद को जोड़ेंगे तो आप ब्रह्म तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे विचार करेंगे, जब हम बोलेंगे तब आप आंख बंद करके शुरू करेंगे, अभी बस अपने आप को सहज कर लीजिए, ठीक है। ये वैसा है जैसे बिजली चमकी हो ये मेडिटेशन, और जैसे क्षण भर में ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, ठीक, सब साफ साफ दिखने लगता है, ये कुछ उस प्रकार का मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को करने के लिए पहले आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप अपने संबंध और सुधारना चाहते, या फिर जिससे आपके संबंध अभी उतने अच्छे नहीं हैं पर आप थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच जिसके बारे में आप बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं रखते, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप नाराज, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, परेशानी है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिससे संबंध आप और सुधारना चाहते, उस व्यक्ति को अपने जहन में लाइए, सोचिए उसके बारे में, उसका चेहरा दिमाग में लाइए। अगर आप ये सोचें कि सर ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे मैं नापसंद करता हूं, तो फिर ये सोचिए ऐसा कौन है जिसे आप और पसंद कर सकते हैं, ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो और स्मूथ हो सकते और बेहतर हो सके, जो भी चेहरा दिमाग में, हल्की सी भी कहीं खराश हो उसको। अब उस व्यक्ति से जो आपके रिलेशन है उसको 10 में से मनी मन अंक दे दीजिए, इससे पहले कि हम इस मेडिटेशन दें, कोई भी अंक दे दीजिए, अगर मतलब 10 में से 10 तो आप नहीं देंगे क्योंकि कुछ तो कमी है, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जैसा भी लग रहा है उतना अंक दे दीजिए, जितने अच्छे जितने अच्छे हो उतने ज्यादा अंक, जितनी कमी है उतने कम अंक दीजिए, जितने 3, 4, 5, 6, 7 जितना आपको दे दिया आपने इंट्यूटिवली,
जो पहला अंक आया वो ठीक है, खुद से कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, परफेक्ट दे दिया। अब अपनी आंखें बंद कर, अब हम बिल्कुल ध्यान से इस पहले मेडिटेशन में उतरेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस, सांस को छोड़िए, एक और गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। अब एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित हो, पूरे शरीर में प्रवाहित। ये सांस आपके शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह से शांत स्थिर करते हुए, आपके पेट से होते हुए आपकी कमर तक, कमर से नीचे उतरते हुए आपके नितंबों तक, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पैरों के तलवे, सबको रिलैक्स करती हुई जा रही। एक और गहरी सांस लीजिए और ये सांस जैसे ही अंदर जाएगी, पूरा शरीर आपके कंधे, आपकी गर्दन, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए। और अब जाती सांस के साथ सारा तनाव बाहर छोड़ दीजिए। हर आती सांस इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवाहित कर रही है और हर जाती सांस सारे तनाव, सारी चिंताओं को बाहर कर। एक्सीलेंट, सजग बने रहिए, सांसों के साथ जुड़े रहिए, सांसों के साथ जुड़े रहिए, सांसों के साथ अंदर उतरिए, सांसों के साथ बाहर जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और अब इस पूर्णतः पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने आप को एक अंधेरी जगह पाएंगे जहां ज्यादा प्रकाश नहीं, तीन, धीरे धीरे आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां रोशनी कम है, ये गुफा सी जगह है। जैसे जैसे आप उस टनल में जाएंगे, रोशनी कम होती चली जाएगी। दो, आप धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, जैसे ही हम एक बोलेंगे, आप अपने सामने उस अंधेरे में उसी व्यक्ति को खड़ा पाएंगे जिसके बारे में अभी आपने विचार किया था, जिससे आप अपने संबंध और बेहतर करना चाहते हैं, जिससे आपके संबंध अभी बहुत अच्छे नहीं। वो व्यक्ति आपको उस अंधेरे में खड़ा दिखेगा। जैसे ही हम एक कहेंगे, उस जगह, उस अंधेरे में कहीं दूर आपको उसके खड़े होने का एहसास हो,
वैसे भी वो व्यक्ति आपके मानस पटल में किसी जगह अभी भी मौजूद है, या आपके अंदर की यात्रा है, मन की उस काली गुफा की यात्रा है। हम जैसे ये कहेंगे वो व्यक्ति आपको अपने सामने खड़ा हुआ महसूस हो, अंधेरे के कारण आप चेहरा ना भी देख सके तो भी उसकी ऊर्जाएं आप महसूस कर सके। एक एग्जैक्टली वहां, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आप उस व्यक्ति की ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आप महसूस कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस। उसकी प्रेजेंस, उसकी एनर्जी महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, वो जस्ट आपके सामने है। और अब जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, अचानक एक तेज बिजली कटकी। वो बिजली इतनी तेज होगी कि उस गुफा के एक एक रोम रोम छिद्र में से भी प्रकाश की बूंदें अंदर टपक जाएंगी। वो इतनी प्रकांड बिजली होगी कि गुफा में जहां भी प्रकाश आने की जगह होगी, उससे गुफा के अंदर तक वो बिजली कड़के, और पूरी गुफा एक पल के लिए प्रकाशमान हो जाएगी। इस कदर बिजली और उस प्रकाश में आपको वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की जिसकी ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, उस व्यक्ति में स्पष्ट वो दिखने लगेगा। हम जैसे ही तीन से एक गिनेंगे, अचानक आपको बिजली की गड़गड़ाहट और वो प्रकाश महसूस होगा। तीन, जैसे हम एक कहेंगे, एक तेज बिजली कड़केगी पूरी कायनात में, गुफा के अंदर पूरी रोशनी हो, और उस प्रकाश में वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हैं, उस व्यक्ति में आपको स्वयं कृष्ण दिखाई देंगे। उस व्यक्ति में बैठा हुआ ब्रह्म आपको उस बिजली में दिखेगा। दो, जैसे ही हम एक कहेंगे, एक तेज बिजली कड़केगी, उस व्यक्ति की जो प्रतिछाया आपके सामने है वो स्पष्ट दिखने लगेगी, और उस व्यक्ति में आपको स्वयं ब्रह्म कृष्ण रूप दिखेगा, मुस्कुराते हो उसी व्यक्ति, क्योंकि सृष्टि के हर कण कण में वही ब्रह्म समाया हुआ है, हर व्यक्ति में, हर पशु में, हर पेड़ में। दो, जैसे ही हम कहेंगे एक, वो तेज बिजली कड़केगी और उस व्यक्ति की छवि में आपको स्वयं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण दिखेंगे। आपको स्वयं प्रभु ब्रह्म उस व्यक्ति में दिखेगा। जैसे हम कहेंगे एक, उस रोशनी में आप उस व्यक्ति में कृष्ण को देख पाएंगे। एक, कड़कने दीजिए तेज बिजली, पूरी सृष्टि रोशनी से नहा गई, गुफा में अचानक सा एक प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश में आपने उसके अंदर के ब्रह्म को देखा, कृष्ण को देख मुस्कुराते हो। महसूस कीजिए इस पल, डूब जाइए इस पल, उस व्यक्ति के अंदर के उस कृष्ण को देखते रहिए, उस व्यक्ति के अंदर के उस ब्रह्म को देखिए, लगातार उस ब्रह्म को महसूस कीजिए जो उस व्यक्ति के अंदर, वो ब्रह्म जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में,
हर पल हर क्षण प्रस्तुत होते हैं। इस ब्रह्म के दर्शन को आत्मसात कीजिए, अपने रोम रोम में इस दर्शन को महसूस कीजिए, डूब जाइए इस अनुभूति में, ब्रह्म की इस अनुभूति में, उस पल में रुक जाइए। महसूस कीजिए अंदर की वो शांति प्रसन्नता, और अचानक पुनः प्रकाश चला गया, गुफा पुनः अंधेरी हो गई। अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे फिर से प्रकाश आए, एक बिजली कड़केगी और फिर से ब्रह्म उस व्यक्ति में दिखेगा। 3, 2, हम जैसे ही 1 कहेंगे फिर से प्रकाश चमकेगा और उस व्यक्ति में फिर से ब्रह्म का दर्शन होगा। 1, फिर से उसमें ब्रह्म देखिए, डूबिए उस ब्रह्म, महसूस कीजिए और अब पूरे मन से उस ब्रह्म को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए उस व्यक्ति के अंदर जो ब्रह्म है। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे प्रकाश फिर से अंधकार में चला जाएगा, किंतु उस व्यक्ति में आपको ब्रह्म अभी भी महसूस होता रहे। 3, प्रकाश कम होने लगे, 2 और कम हो, अंततः जैसे हम कहेंगे 1, प्रकाश समाप्त हो जाएगा पर उस व्यक्ति का ब्रह्म जागृत रहेगा, आपको ब्रह्म दिखता रहेगा। 1, महसूस कीजिए उसके अंदर जो ब्रह्म है, बने रहिए इस ब्रह्म के साथ, इस आनंद शांति के पल को महसूस। और अब इस प्रकाश को, इस विद्युत को अपने अंदर लगातार पौंधने दें, ताकि अज्ञान का अंधेरा मिट जाए और अद्वैत का प्रकाश फैल जाए, सब में वो ब्रह्म में देख सकूं, तब मैं उस ब्रह्म को देख सकूं। इस ब्रह्मानुभूति के साथ जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे, धीरे धीरे इस प्रसन्न भाव के साथ आप वर्तमान में लौटेंगे, उस गुफा से बाहर आएंगे, 1, वापस वर्तमान की तरफ पूरे सजग भाव से, 2, उसी प्रसन्न भाव से, और जैसे ही हम कहेंगे 3, आप वर्तमान में होंगे उसी आनंद और प्रसन्न भाव के साथ। तीन, एक्सेप्ट वर्तमान। और अब इंट्यूटिवली इस शांत भाव से उस व्यक्ति के प्रति अपने भावों को फिर से 10 में संक दीजिए। इस पल, इस क्षण, इस ब्रह्मानुभूति के बाद उस व्यक्ति को आप 10 में से कितने अंक देंगे उसके प्रति अपने भावों को? इंट्यूटिव 10 में से 10 का मतलब अद्वैत, 8-9 का मतलब प्रेम का भाव, शांति का भाव, 7 का मतलब सहृदय भाव, 6 का मतलब सकारात्मक भाव। क्या भाव आप क्या अंक? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसे ही हम 1 से 3 गिनेंगे आप अपनी आंखें खोल के वर्तमान में आ जाएंगे। 1, बड़े शांत भाव से, 2, वर्तमान की तरफ, 3, वर्तमान। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप में से कितने लोगों ने पहले की तुलना में ज्यादा अंक दिए हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये ब्रह्म की उपासना का एक तरीका है, आप इसको बार बार कीजिए।
इस बिजली को अपने अंदर कौंधने दीजिए। धीरे धीरे हर व्यक्ति के प्रति भाव बदलने लगे, अपने आप चित्त स्थिति आ जाएगी, मन बदलेगा, परिवर्तन होगा, भाव बदलेंगे। और अब हम एक दूसरे मेडिटेशन की तरफ चलते। ये जो दूसरा मेडिटेशन है बड़ा विलक्षण मेडिटेशन, इसको निमिषा मेडिटेशन बोलते हैं। निमिषा जो केनोपनिषद में कहा गया, ब्लिंक ऑफ आय, पलक झपकते। सो अब हम पलकों की झपक के साथ ये नया मेडिटेशन करें। ये विलक्षण क्यों है? ये मेडिटेशन में आंखें खोलना भी इसका एक हिस्सा रहे। अभी तक हम आंखें बंद करते हैं मेडिटेशन, पर अब हम आंखें खोलेंगे और मेडिटेट करेंगे। तैयार हैं? चलिए, इसी शांत भाव के साथ अब हम करने जा रहे हैं निमिषा मेडिटेशन। निमिषा का अर्थ है पलक झपकने का जो समय हो वो छोटा सा अंतराल, उसमें कैसे जगत में जगदीश्वर के दर्शन हो, कैसे ब्रह्म के दर्शन होते। ये आध्यात्मिक पाठ है ब्रह्म का, मंत्र 4.5। चलिए शुरू करते। अपने आप को बिल्कुल स्थिर अवस्था में लाइए और बिल्कुल शांत अवस्था में अपने आसपास सबसे पहले आंखें खोल के किसी भी एक वस्तु को देख लीजिए, जो भी आपके आसपास, कोई सी भी एक वस्तु, उसको थोड़े समय तक देखते रहिए। देखते रहिए उस वस्तु, बिल्कुल शांत भाव से, बस एक वस्तु निश्चित कीजिए, उसको देखते रहिए। एक्सेलेंट। अब उस वस्तु को जिसको आप देख रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पश्चना को, देखने को विशिष्ट पश्चना कर दीजिए, विशेष रूप से उस वस्तु को, उस वस्तु को गहराई से देखिए, उस वस्तु को देख के महसूस कीजिए कि वो वस्तु किस चीज से बनी है। मानो आप अपनी नजरों से ही उस वस्तु के अंदर उतरते चले जाए, उस वस्तु के अंदर उस मॉलिक्यूल को महसूस कीजिए, जिस मॉलिक्यूल के बहुत सारे इकट्ठे हो जाने से वो वस्तु इस रूप में आई है। अब उस वस्तु को भले देखते रहे, पर उस वस्तु में बहुत सारे मॉलिक्यूल को महसूस कीजिए, कितने सारे अणु मिलके उस वस्तु को बना रहे हैं। कोई भी वस्तु, देखते रहे, देखते रहे। और अब जैसे ही हम कहेंगे, 3 से 1 आप अपनी आंखें बंद कर लें और उन परमाणुओं को अपनी बंद आंखों से देखने लगे, उस वस्तु के जो परमाणु। 3, उस वस्तु को गौर से देखते रहिए और आंखें बंद करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। 2, आंखें बंद करने के बाद भी वो वस्तु ऊर्जा रूप में आपकी आंखों के सामने रहेगी। 1, एक्सेलेंट। अब वो जो वस्तु है उसके रोम रोम में उन परमाणुओं को महसूस कीजिए जिससे वस्तु बनी है। सजगता बनाए रखिए, सजग बने रहे। अब उन परमाणुओं के अंदर जाइए और उन अणुओं के अंदर जाइए और उन परमाणुओं को देखिए, उन एटम्स को महसूस कीजिए जिनसे वो वस्तु बनी है। वो एटम, वो छोटे छोटे से एटम, बिल्कुल महीन, जिससे वो वस्तु बनी। उस वस्तु के अंदर आप अणु में गए, अणु में, परमाणु में गए, और अब उस परमाणु के भी अंदर उतरिए। जैसे ही हमने कहा 3 से 1, आप उस परमाणु के भी अंदर उतर के उस वाइब्रेशन तक पहुंचेंगे जिससे ये सारी सृष्टि बनी।
वो स्ट्रिंग्स जिससे सब कुछ बना है, वो वाइब्रेशन, वो तरंगे जिससे सारी सृष्टि बनी है, तीन वो वस्तु बनी है, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, इन तरंगों से बने हैं दो। और जैसे हम कहेंगे, आप इस समस्त जगत की जो ऊर्जाएं हैं, वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं, जो ओम रूप में व्याप्त हैं, उनको महसूस करेंगे। एक हल्का सा मन में ओम को गुंजायमान होने दीजिए, उस वस्तु पे नजर बनाए रखिए, आंख बंद करके सजग बने रखिए, और इन वाइब्रेशंस के साथ खुद को गूंजने दीजिए, और कहिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी चेतना में उस वस्तु को रखते हुए कहिए, उस वस्तु की तरंगों के साथ इस ओम को गूंजने दीजिए, एक लय हो जाइए जिससे वस्तु बनी। और अब हम जैसे ही तीसरी बार ओम कहेंगे, अचानक आपको उन तरंगों से झांकता हुआ ब्रह्म महसूस होगा, कृष्ण महसूस होंगे, जिस भी रूप में आप उस ब्रह्म को पूजते हैं वो महसूस होगा। जैसे ही हम तीसरी बार ओम बोलेंगे, ओम के वाइब्रेशन खत्म होते ही उन्हीं तरंगों में जिससे वो वस्तु बनी, आपको ब्रह्म महसूस होगी, वो रूप महसूस होगा। एक गहरी सांस लेंगे, एक्सीलेंट, इस भाव में बने रहिए, इस ब्रह्म स्पर्श में बने रहिए, और इसी ब्रह्म भाव के साथ जैसे ही हम एक से तीन गिनेंगे, आप अपनी आंखें खोलेंगे और सीधे उसी वस्तु को फिर से देखेंगे, पर इस बार ये देखना विशिष्ट होगा, आपको ब्रह्म उस वस्तु में झांकता दिखेगा। एक, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने को तैयार, इस ब्रह्म भाव के साथ उस वस्तु को फिर से देखेंगे। दो, और जैसे हम तीन बोलेंगे, आप अपनी आंखें फिर से खोल लेंगे और उस वस्तु में ब्रह्म देखेंगे। सीधे आंखें खोलते उस वस्तु को देखिए और उस वस्तु में आपको ब्रह्म दिखेगा। तीन, अपनी आंखें खोलिए, केवल उस वस्तु को देखिए और देखिए उसके रोम रोम से स्वयं ब्रह्म झांकता। एक्सीलेंट, अब पुनः अपनी आंखें बंद करेंगे और फिर से अपनी चेतना में उस ब्रह्म को देखेंगे। एक्सीलेंट, अब फिर से अपनी आंखें खोलेंगे और उस वस्तु में फिर से ब्रह्म को देखेंगे खुली आंखों से। बहुत अच्छा, सृष्टि का जर्रा जर्रा उसी ब्रह्म से बना है जो आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं। फिर से आंखें बंद कीजिए, उस ब्रह्म को महसूस कीजिए, फिर से आंखें खोलिए, उस ब्रह्म को महसूस कीजिए। अब ऐसा तीन बार कीजिए, आंखें खोलिए, ब्रह्म को देखिए, आंखें बंद कीजिए, ब्रह्म को देखिए, फिर से आंखें खोलिए, ब्रह्म को देखिए, आंखें बंद कीजिए, ब्रह्म को देखिए, महसूस कीजिए, जिस भी रूप में आप महसूस, फिर से आंखें खोलिए, उस ब्रह्म को महसूस कीजिए, फिर से आंखें बंद कीजिए, उस ब्रह्म को आप महसूस। और अब इसी शांत भाव से, जैसे ही हम एक से तीन गिनेंगे, इसी ब्रह्म अनुभूति के साथ आप वापस वर्तमान में लौटेंगे। आगे से जब भी आप किसी को भी देखें अपने जीवन में,
एक बार आंख फिर से झपक के उसको देखिए, अपने आप उस व्यक्ति में ब्रह्म दिखने लगे। एक नजर उस व्यक्ति को देखिए और आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि उसका एक एक जर्रा उस ब्रह्म से ही तो बना है। फिर आंखें खोल के उसी व्यक्ति को वापस देखिए, आप बेहतर महसूस करें। आज से जीवन में जब भी किसी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसको देखिए और धीरे से आंखें बंद करके थोड़ी देर बाद दोनों आंखें खोल के उसे पुनः देखिए, आपको उसमें ब्रह्म दिखने लगे और आपका मन स्वतः शांत होने लगेगा। एक, धीरे धीरे बिल्कुल शांत भाव से वापस लौटेंगे। दो, और जैसे ही हम कहेंगे तीन, वापस वर्तमान में आ। तीन, एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब इस शांत भाव से हर प्राणी में उस ब्रह्म को देखने निमिषा मात्र से, एक पलक झपकते ही ब्रह्म दिखे, जगत में पलक झपकते ही जगदीश्वर दिखे। इस शांत भाव से, प्रसन्न चित्त मन से, अब हम तीसरा मेडिटेशन करेंगे जिसका नाम है तदवनम मेडिटेशन। तदवनम, तदवनम का क्या अर्थ है? बिल्कुल आंखें खोल के इसको महसूस करें। तद प्लस वनम, तत मीन्स वह। वनम का अर्थ होता है वंदन योग्य, वन धातु से बना, वंदनीय, अच्छी प्रकार से वंदना करना। तो तदवनम का मतलब वह या उसकी तत्रूप में वंदना की जाती है, साकार में नहीं निराकार में उसकी वंदना करें। निराकार सत्चित आनंद के रूप में हम उसकी वंदना करेंगे, क्योंकि परम का कोई एक रूप या नाम नहीं होता। नाम तो लेबल होते हैं ना, लेबल, लेबल जो अलग अलग समय में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग बौद्धिक, दार्शनिक और भावनात्मक स्थितियों में प्रेम स्वरूप जो नाम दिए, वही तो सगुण है। यहां ऋषि कह रहे हैं उसकी उपासना तत् के रूप में की जानी चाहिए, तत् के रूप में वनम, वंदनीय होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जो जगत में वंदना है वो गलत है। जैसे गायक व गान अलग नहीं हो सकते, बताइए क्या गान और गायक अलग हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। अगर गायक नहीं है तो गान कैसे रहेगा? हो ही नहीं सकते। गान शब्द में ही गायक छुपा है। गान का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, गान गायक से ही है। हां, पर गायक का पृथक अस्तित्व है, गायक न जाए न गाए, उसकी इच्छा। जब वो गाता है तो गान आता है। ऐसे ही नृतक और नृत्य अलग अलग नहीं हो सकते। नृतक बिना नृत्य के हो सकता है, पर नृत्य कहां से आएगा? देयर कैन नॉट बी एनी डांस विदाउट अ डांसर। देयर कैन नॉट बी एनी सॉन्ग, एनी सिंगिंग विदाउट द सिंगर। दैट्स, दिस इज हाउ देयर कैन नॉट बी एनी ब्रह्मांड विदाउट ब्रह्म। ईश्वर सृष्टि से अलग कहीं नहीं है। जैसे नृत्य और नृतक एक ही होते हैं, ऐसे ही ईशा वास्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर द्वारा आवास है। ईश्वर नृतक है और ये जगत ही तो उसका नृत्य है, लीला है। इसीलिए तो शिव नटराज है, वो नृत्य कर रहे हैं और शिव का नृत्य ही तो जगत है। इसीलिए
आप किसी भी रूप में उसकी वंदना करें, ब्रह्म की ही वंदना करते हैं, पर ऋषि कह रहे हैं कि आप उसकी तत्रूप में वंदना करें, उस रूप में वंदना करें, अदृश्य निराकार रूप में तत्, तो कैसे करें उसकी तत् रूप में वंदना, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। तत् क्या रूप हुआ? व्हाट इज तत्? इट इज सो डिफिकल्ट टू मेडिटेट अपॉन नथिंग, दैट्स व्हाई वी मेडिटेट अबाउट समथिंग। तो चलिए आज कोशिश करें टू मेडिटेट अपॉन नथिंग, नो ऑब्जेक्ट, शुरू करें। चलिए तैयार हो जाए इसी शांत भाव से, तद्वनम उपासना करेंगे आज, तद्वनम ध्यान लगाएंगे आज। अपनी आंखें बंद कीजिए, उतरते हैं इस ध्यान में, और आंखें बंद करने के साथ ही धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए। इस गहरी सांस को अपने एक एक रोम की छिद्र तक जाने दीजिए। महसूस कीजिए सांस को सांस के साथ बने रहे, बिल्कुल शांत। और अब इस पूर्ण शांत भाव से, जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, आप एक चेंजिंग रूप में जाएंगे, ट्रायल रूप में जाएंगे, जहां कपड़े बदले जाते हैं, सामने एक बड़ा सा आईना लगा होगा जहां कपड़े बदले जाते हैं। तीन, धीरे धीरे आप उस कमरे की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम एक कहेंगे आप उस कमरे के अंदर खुद को पाएंगे जहां सामने एक बड़ा सा आईना लगा हुआ। दो, आप उस कमरे का दरवाजा खोल रहे हैं, चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम का। एक, एग्जैक्टली उस कमरे में चारों तरफ कांच लगे हुए, आपने दरवाजा लॉक कर दिया, और अब कांच में आप खुद को देखिए, आप खुद को महसूस कर सकते हैं उस कांच में, कांच के सामने खड़े हो। और अब खुद को देखने के बाद हम एक एक करके अपने सारे लेबल हटाते चले जाएंगे। जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप महसूस करेंगे आपके ऊपर कई लेबल लगे हुए हैं, आपके ऊपर छह लेबल लगे हुए, ये छहों लेबल एक एक करके आप हटाए। आपके ऊपर स्टिकर चिपके हुए हैं छह, जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, आपको अपने ऊपर छह स्टिकर कांच में चिपके हुए दिखेंगे। तीन, आप देख पा रहे हैं आपके ऊपर जो स्टिकर्स हैं, दो, और जैसे हम कहेंगे एक, आपके ऊपर कई तरह के स्टिकर्स, एकदम से स्टिकर प्रकट हुए आपके ऊपर। एक, और अब हम स्टिकर्स को एक एक करके हटाएं। सबसे पहले एक स्टिकर जो आपके ऊपर लगा हुआ है उसको निकालिए, उस पे लिखा है नाम, और अपने अंगूठे से, अपनी मुट्ठी से मसल के उसको नीचे फेंक दिए। वास्तव में अपनी मुट्ठी से मसलिए उसको, अपने हाथ को उठा के स्टिकर निकालिए और मसल के फेंक दिए, बेनाम हो जाए, कोई नाम नहीं। जब हम इस धरती पे आए थे, हमारा कोई नाम नहीं था, ये तो बाद में दिया गया है।
ये तो आरोपित है। अब दूसरा स्टिकर निकालें, इसमें आपका सरनेम और जाति लिखा हो, निकालिए उस स्टिकर, और इस स्टिकर को भी हाथ से मसल के नीचे फेंक दीजिए। आप किस परिवार में पैदा हुए, कौन सी जाति में पैदा हुए, कौन सा आपका धर्म था, ये सारे स्टिकर आपको निकाल के तीसरा, अब हम एक और स्टिकर निकालें, वो है राष्ट्रीयता का स्टिकर। आप किस देश में पैदा हुए, उस स्टिकर को भी निकालें, उसको भी एक तरफ ही। आत्मा किसी देश को बिलोंग नहीं करती, ये तो बाय चांस आप इस देश में पैदा, उसको भी एक तरह। चौथा, अब अपने पद का स्टिकर निकालिए, कोई पद नहीं, कोई ओहदा नहीं, उसको मसल के एक तरफ फेंक दीजिए। पांचवा, अब अपने सारे रिश्ते नातों के स्टिकर निकालिए जो अलग अलग जगह चिपके हुए, कहीं पत्नी, कहीं मां, कहीं बहन, कहीं दोस्त, सारे स्टिकर निकालिए, इसको भी फेंक दीजिए। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। अब छठा, अपने लिंग का, जेंडर का स्टिकर भी निकाल और उसको भी फेंक दीजिए। अब ना स्त्री बचा ना पुरुष बचा, कांच में देखिए। और अब एक अंतिम स्टिकर बचा है, उसको भी निकाल के फेंकेंगे, ये शरीर का स्टिकर। ये शरीर पूरा ही स्टिकर ही तो है जो चिपका हुआ है मेरी आत्मा। अब हम जैसे ही तीन से एक गिनेंगे, आप अपने पूरे शरीर को स्टिकर की तरह, खोल की तरह उठा के फेंक दें। और जैसे ही आप खोल की तरह उठा के फेंकेंगे, कांच में कुछ नहीं दिखेगा, आप स्वयं अदृश्य हो जाएंगे। आज तक जैसे कपड़े उतारते रहे, आज वैसे ही अपनी त्वचा उतार दें, ये शरीर को उतार दें। तीन, ये खोल उतरना शुरू हुई, अंदर कुछ नहीं, शरीर का स्टिकर, कांच में आप अदृश्य होते जा रहे हैं। दो, और जैसे हम कहेंगे एक, कांच में कुछ नहीं दिखेगा, आपने शरीर भी फेंक। एक, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप अदृश्य को देख सकते, कांच में कुछ नहीं दिख रहा है, पर आप हैं वहां, आपने शरीर त्याग दिया। आप हैं पर किसी कांच में कुछ नहीं दिख रहा, आप महसूस कर पा रहे उस अदृश्यता को। पर अब हम इस महसूस करने को भी फेंक दें। अब हम जैसे ही तीन से एक गिनेंगे, हम अपना अंतःकरण उतार के फेंक दें, हम हमारा मन फेंकेंगे, हम हमारी बुद्धि फेंकेंगे, हम हमारे चित्त को फेंकेंगे, हम हमारे अहंकार को फेंकेंगे। जागरूक बने रहिए, जैसे ही हम कहेंगे तीन, आप सारी यादों को निकाल दीजिए। तीन, सारी यादें निकाल, मुट्ठी में मसली और फेंक दीजिए। कोई याद नहीं, बस वर्तमान, ना कोई भूत, ना कोई भविष्य, केवल वर्तमान में आ जाए। कोई याद नहीं, ये मेरी नितांत निजी यात्रा है। अब जैसे ही हम कहेंगे
आप अपनी बुद्धि और मन को निकाल के फेंक दें। दो, अब मन को भी फेंक दीजिए। कुछ महसूस करने को नहीं बचा, कुछ समझने को नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। बस बचा है तो केवल यह एहसास कि मैं हूं इस कमरे में, बाकी कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई याद नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस मेरा होना बाकी। और जैसे हम कहेंगे एक, आप इस अहंकार को भी खत्म कर दें। आप हैं ही नहीं, सारी वासनाएं अनंत जगत की जो इस अहंकार से जुड़ी हुई है, ये सब समाप्त हो जाए। गहरी वासनाएं और अहंकार, जैसे हम कहेंगे मैं बचा ही नहीं, एक अंतिम डोर भी कट गई जो मुझे जोड़ती थी इस जगत से, अब उस कक्ष में कुछ नहीं, मैं तो अब हर तरफ मौजूद हूं, कक्ष में कक्ष के बाहर, शहर में शहर के बाहर, प्रदेश में प्रदेश के बाहर, देश में देश के बाहर, महाद्वीप में पृथ्वी में, ग्रहों में नक्षत्र में, ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में मैं व्याप्त हूं। मैं बचा ही नहीं, मैं सब कुछ हो गया। ऊपर उठने दीजिए स्वयं, जैसे हम तीन से एक गिनेंगे आप और ऊपर उठते जाएंगे, तीन और ऊपर, रम जाएं इस पूरी सृष्टि में, दो, एक हो जाएं इस अनंत अस्तित्व के साथ। और जैसे हम कहेंगे आप स्वयं को इस सृष्टि के साथ एक पाए, कोई पृथकता नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल चिर अनंत अस्तित्व, एंडलेस एग्जिस्टेंस, एक, कीप फ्लोटिंग, जस्ट बी विथ एवरीथिंग। महसूस कीजिए इस असीम अनंत अमृत अस्तित्व को, डूब जाइए इस अनंत शांति, परम शांति, परम आनंद में, आनंद स्वरूप ये समस्त सृष्टि, मैं ही तो वो हूं जो इस पूरी सृष्टि में व्यापक, मैं ही तो वो तत् हूं, मैं ही तो वो हूं जिसको ऋषियों ने तत् कह के गाया है, जिसको वेदों ने, उपनिषदों ने, गीताओं ने गाया है, तत् तत्वनम, तत्वनम, तत्वनम। और इस एब्सोल्यूट ब्लिसफुल स्टेट में अपने अंदर ओम को गूंज जाने दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व, गहरी, जैसे हम ओम कहेंगे, ओम की एक एक वाइब्रेशन के साथ अपने अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड में महसूस कीजिए। Thank you.
बने रही, कुछ पल बने रही। जैसे ही आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें वर्तमान। इस शांत चित्त के साथ एक वापस लौटिए वर्तमान में, दो और जैसे हम कहेंगे तीन, आप अपने वर्तमान में वापस हो जाए। तीन, एक्सेल, वर्तमान में आइए, एक्सेल। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। और अब एक अंतिम मेडिटेशन हम करेंगे, वो मेडिटेशन चौथे प्रकार का मेडिटेशन है, मन हर रूप में आनंद की ओर दौड़ता है, थॉट पे मेडिटेशन, वो मेडिटेशन जो आध्यात्मिक मेडिटेशन। पूरी तरह से हर रूप इसी मेडिटेशन में अपने आप को इस समस्त जगत में समस्त प्राणियों के बीच में हम महसूस करें। इसी शांत भाव के साथ जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आप अक्सर जाते हैं। वो कोई मंदिर हो सकता है, वो कोई ऑफिस हो सकता है, वो कोई मॉल हो सकता है, वो कोई मार्केट प्लेस हो सकता है, ऐसी जगह जहां आसपास कई मनुष्य हैं। तीन, धीरे धीरे अपने आप को उस जगह लेके जाइए। एक छोटी सी टनल में प्रवेश कीजिए और उस टनल के दूसरी साइड आप अपने आप को उस जगह पाएंगे। वो कोई मार्केट स्पेस हो सकता है, मॉल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, ऑफिस स्पेस हो सकता है। दो, धीरे धीरे जाइए उस टनल में और जैसे हमने कहा एक, उसके उस तरफ की आवाजें आपको अभी से आने लगी। आप अपने आप को कई लोगों के बीच में महसूस करेंगे, जिन लोगों के साथ या तो आप कार्य करते हैं या वो अजनबी भी हो सकते हैं। मार्केट स्पेस में, मॉल में, कुछ लोग आपके आसपास। एक, महसूस कीजिए अपने आप उन लोगों के बीच। और अब जब आप अपने आसपास कई लोग देख रहे हैं तो इस बिल्कुल शांत मानसिक अवस्था के साथ उन लोगों की आंखों की ओर देखिए। उनमें से किसी भी व्यक्ति की आंखों में आप देखिए, किसी भी व्यक्ति की आपको आंखों में देखना। जैसे हम तीन से एक बोलेंगे, आप उसकी आंखों की तरफ देखने लगेंगे। उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति आपके आसपास वहां हो सकता है। तीन, उसकी आंखों में देखिए, उसकी आंखों में उसके आनंद की खोज की पूरी कहानी छुपी है, उसके पूरे जीवन की वासनाएं छुपी है। उसकी आंखों में आपको भय की कहानियां दिखेंगी, संघर्ष की कहानियां दिखेंगी। देखिए अपने आसपास के हर व्यक्ति, उसके जीवन के विलाप दिखेंगे, उसके जीवन के वियोग दिखेंगे, सब कुछ आनंद की खोज।
आनंद की खोज। अपने आसपास के हर व्यक्ति को महसूस कीजिए, हर व्यक्ति उसी आनंद की तो खोज में लगा है, उसी आनंद की खोज में। महसूस कीजिए, हर व्यक्ति को उस करुणा उस प्रेम से देखिए, उस आनंद की खोज करते करते उसने कितने जन्म बिता दिए, कितने भय संघर्ष विलाप चुनौतियों से गुजरा है। और अब हम जैसे ही कहेंगे, तीन से एक बड़े प्रेम से आप अब उसकी आंखों में पुनः देखें। बड़े प्रेम से, अपनेपन से ऐसे उसकी आंखों में देखिए जैसे आप अपने बच्चे की आंखों में देखते। तीन, पूरी करुणा प्रेम सौहार्द्र से उसकी आंखों में देखिए। दो, और जैसे हम एक कहेंगे आपको उसकी आंखों में ब्रह्म मुस्कुराता हुआ नजर आए। वो ब्रह्म जो साक्षी रहा उसकी संपूर्ण यात्रा का, वो ब्रह्म जो हमेशा उसके अंदर मौजूद था पर उसकी खोज में वो पता नहीं कहां कहां भटका। तो जैसे ही हम कहेंगे आपको उस व्यक्ति की आंखों वो ब्रह्म दिखेगा जो हमेशा उसके अंदर मौजूद। एक, अब देखिए उसकी आंखों जैसे अपने बच्चों की आंखों में हम देखते हैं, पूरे प्रेम से आपको उसकी आंखों में प्रेम और परमात्मा दिखे। गौर से देखिए उसकी आंखों और अब बहुत प्रेम और श्रद्धा से नमन कीजिए उस व्यक्ति के अंदर बैठे हुए परमात्मा, प्रणाम कीजिए। और अब से जब भी मैं मार्केट स्पेस ऑफिस जाऊं, रोज सुबह सबसे पहले मैं हर व्यक्ति में बैठे उस परमात्मा को देखूं और उसे प्रणाम करूं। मैं जिसकी भी आंखों में देखूं उसकी आंखों में उसके अस्तित्व के संघर्ष, उसकी वेदना, उसके भयों को देखूं और फिर उसके बाद एक कंपैशन के साथ पुनः उसमें ब्रह्म को देखूं ताकि मैं उसको वो ऊर्जाएं दे सकूं जो उसे हील कर सकूं, वो विचार दे सकूं जो उसे ब्रह्म की ओर ले जा सकूं, ताकि मैं सभी के साथ एक आत्मा हूं। इसी शांत भाव के साथ जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, जैसे हम एक से तीन गिनेंगे आप वापस वर्तमान में आएंगे। एक, दो, तीन, पूरी तरह से वर्तमान। एक्सेलेंट। और इसी के साथ आज केनोपनिषद की पूर्णाहुति होती है। ओम तत्सत।